क्यों जेंटलमैन सिद्धार्थ शुक्ला बने साइको? क्यों बहू से बेब बनी डायन? पारस सिद्धार्थ के चलते फिर रद्द हुआ टास्क? आज देखने को मिलने वाला है बहुत सारा बवाल। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका एक बार फिर से स्वागत है बिग बॉस के अड्डे में। मेरे साथ आज है प्रशांत, यास्मिन और दर्शिका। सबसे पहले हम प्रशांत से जान लेते हैं कि पिछले कल एपिसोड में क्या क्या धमाल देखने को मिला। तन्वी, पिछले एपिसोड में क्या हुआ ना कि एक टास्क हुआ जिसमें नॉमिनेशन में जो लोग गए थे वो एक बच सकता था। सांप सीढ़ी का एक टास्क हुआ था, जो टास्क कम और लड़ाई खाना ज्यादा हो गया था। इतनी लड़ाइयां देखने को मिली, सिद्धार्थ शुक्ला और माहिरा लड़ पड़े, रश्मि और सिद्धार्थ लड़ पड़े, पारस और सिद्धार्थ लड़ पड़े, तो काफी कल लड़ाइयां देखने को मिली सिर्फ एक नॉमिनेशन से बचने के लिए। तो कल काफी जमकर धमाल भी हुआ और लड़ाइयां भी देखने को। दर्शिका, जैसे प्रशांत ने अभी बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला सबसे लड़ते ही दिखे हमें कल के एपिसोड, पूरा लाइमलाइट जो थी वो सिद्धार्थ शुक्ला पर ही थी, तो क्या लगता है जो उनका तरीका था, जो भी कल हुआ इतनी सारी लड़ाइयां, कहीं ना कहीं उन्हें अब लोग साइको बोलने लग गए हैं? अगर हम सोशल मीडिया पर भी देखें तो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साइको जैसा बिहेव कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कल उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हद कर दी थी घर में, कि एक टास्क था नॉमिनेशन से बचने का, वो बहुत आराम से चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उन्होंने मतलब पारस ने बस उनकी सीढ़ी ख़राब की। उसके बाद से पता नहीं उन्हें क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने सारा मतलब जितने भी लोग कर रहे थे सबका गिराना शुरू कर दिया, सब खराब करना शुरू कर दिया, सबसे लड़ाई झगड़ा, मतलब एक ऐसा रूप दिखा कल उनका घर में कि देखने में ऐसा लगता कि वो पागल हो गए। यास्मिन, हमेशा ही हमने देखा है कि तुम सपोर्ट में आती हो सिद्धार्थ शुक्ला के, सब उनके अगेंस्ट होते हैं लेकिन सिर्फ एक यास्मिन है जो उनके सपोर्ट में नजर आती है। लेकिन यास्मिन, कल का एपिसोड अगर हमने देखा, तुमने देखा ही होगा, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट चली गई हैं। उन्होंने काफ़ी ऐसी लड़ाइयाँ की, लड़कियों से बदतमीजी की, तो उस पर अब तुम्हारा क्या कहना? कल वाले चीज़ पर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी पहले तो, कि जब पारस ने शुरुआत की थी मिट्टी हटाने की, तो सबसे पहला उन्होंने सिद्धार्थ का ही वहाँ से शुरुआत की थी इस चीज़ को लेकर। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर नाम की एक चीज़ होती है जिसे लेकर मतलब सारे घर वाले एक साइड हो गए, क्योंकि एक वीक पॉइंट है सिद्धार्थ शुक्ला का, कि मतलब अग्रेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस अग्रेशन को दिखाने के लिए, उन्हें फ्रंट फुट पर लाने के लिए लोगों ने उन्हें टारगेट करना शुरू किया है और उन्हें ही सबसे पहले मिट्टी हटा के वैसे उन्हें आउट करने की कोशिश की गई है इस चीज़ से, कि वो गुस्से में आकर काफ़ी चीज़ें हरकत करेंगे और उन्होंने वो चीज़ की। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इन्होंने जो बोला कि फ्रंट फुट पे लाने की, ऐसी कुछ भी बीच में बात हुई नहीं थी पहले कि उसको फ्रंट फुट पे लाया जाएगा। बिग बॉस ने साफ बोला था जो पहले मिट्टी हटाएगा वो हटाना पड़ेगा, मिट्टी जिसका भी बन जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला जो थे वो बहुत चौड़ में कह के चले गए कि मैं जा रहा हूँ अपना कैमरा साफ करने के लिए और मेरा जिसने भी हटाया मैं सबका खराब कर दूंगा। तो चलो उन्होंने ये बात बोली तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग उनसे डर के बैठ जाएं कि नहीं यार ये सबका खराब कर देगा, नहीं इसका बना रहने दो। तो काफी टाइम ऐसी बातें हो चुकी है कि इसे फ्रंट फुट पर लाना है, इनके इसका असली रंग दिखाना है लोगों को, काफी टाइम की बात हो चुकी है। तो स्ट्रेटेजी बनाते हो आप तो उस चीज को सहो भी ना सामने। स्ट्रेटेजी अगर बनाई है तो वो दिखनी भी चाहिए स्ट्रेटेजी। बहुत पहले हफ्तों की बात थी जब उसने पारस से रश्मि ने बोला था कि इसको फ्रंट फुट पे लाना है, ये ऐसे ही आएगा जिस तरीके से कि ये हरकतें करता है। जो अभी टास्क हुआ उस टास्क को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि फ्रंट फुट पे लेकर के आना है। अगर तुम्हारी सिर्फ एक मिट्टी हटाई गई, तुमने सबकी टेबल्स को फेंक डाला, लोगों को हर्ट भी हो सकता था, हार्म भी हो सकते थे, तुमने बहुत ज़्यादा किया, तो इस वजह से प्रॉपर्टी खराब कर रहे थे वो तो वैसे ही उल्लंघन कर ही रहे हैं गेम में, लेकिन बहुत ज़्यादा हद कर दी थी उन्होंने कल तो, मतलब बाद अच्छा खेल रहे हैं। खेलने का मतलब ये नहीं है कि तुम चीजों को हार्म करो या फिर इतना ज्यादा कर दो कि टास्क ही रद्द हो जाए, ऐसा खेलना किसी के सेंटीमेंट्स को। लास्ट टाइम देखा गया था ना श्रीशंत जब आए थे, वो कौन सा टास्क परफॉर्म करते थे? कोई टास्क श्रीशंत से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्रीशंत या तो गेम नहीं खेलते थे या लड़कियों को कभी उन्होंने हर्ट नहीं किया, मुझे ऐसा। और इसके बाद भी उन्हें कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद भी तुमने पिछला सीजन देखा ही नहीं है ढंग से। फिर श्रीशंत ने स्टार्टिंग के एपिसोड्स जो हुए थे हफ्ते में, उनमें वो जो थे छोड़ देते थे टास्क को बीच में, लेकिन आगे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उनकी वजह से टास्क जीते भी गए हैं, तो तुम ये चीज सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनको कंपेयर नहीं कर सकती हो।
मुझे ऐसा लगता है कि उनका अग्रेशन था, मतलब जैसे वो बहुत चिल्लाते थे सारी चीज़ें वो उनसे थोड़ी मैच करती है, लेकिन ये नहीं कि जिस तरीके से वो लड़कियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, उन्हें लड़ाई झगड़ा धक्का देना जैसे माहिरा के साथ हुआ था, मतलब माहिरा ने थोड़ा सा बस उन्हें अपने प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा उन्हें धक्का दिया तो बस वो चढ़ गए उसके ऊपर और गिर भी माहिरा ने वहाँ पे हाथ से यूं उनको हटाने की कोशिश की था, मतलब वो हल्का सा अपने आप को। यास्मीन फोर्स का भी होता है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो फोर्स था वो ज़्यादा था। मैं इस चीज़ पे भी ये कहना चाहती हूँ कि मायरा ने डिफेंड करने की कोशिश की, अपने उसको बचाने की कोशिश की वहाँ पे, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने भी यूँ नहीं करा, वो अपना हाथ ऐसे हटा रहे, तो सामने आप उस चीज़ को फ़ायदा मत उठाओ ना कि ये वुमेन कार्ड खेल के कि आप मुझे धक्का दे रहे हो या फिर धक्का ही दे सकते लड़कियों की। नहीं, एक बात बताइए, उसका वो टास्क है, वो उसकी चीज़ खराब करने के लिए आ रहा है, वो उस टाइम पर अपने आपको डिफेंड कर रही है, ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने यही था, उनको गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा था, वो इतने बौखलाए हुए थे, उन्होंने सीधा यूँ करके उनको हटाया है, उनको हटाया है, रश्मि को भी उन्होंने उनके हाथ पकड़े हैं, और इवन जब सारी लड़कियां एक साथ बचा रही हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि सारी लड़कियां सिर्फ माहिरा के लिए खड़ी हो गई हैं, उसकी सांप सीढ़ी को बनाने के लिए, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ अपनी हद क्रॉस कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो घुसे जा रहे थे उस चीज में। पिछले टास्क में सिद्धार्थ डे जब काफी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, तब आरती अकेले पड़ी थी, तब लड़कियों को नजर नहीं आया कि उनके कैरेक्टर पर बात की जा रही है, उनको गंदी बातें बोल जा रही है, तो अभी भी बात हो रही, जैसे देवोलीना ने भी किया था करेक्टर पे बात, जिस तरीके से देवोलीना ने भी सहनाज के करेक्टर पे उंगली उठाई, और आज भी ऐसा है कि मतलब सहनाज को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाएगा इस चीज को लेके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही अग्रेशन दिखा रहे हैं इस तरीके से आके चढ़ना लड़ना, और ये बहुत गंदा दिख रहा है। सब कंटेस्टेंट्स को पता हो चुकी है, रश्मि जिस तरह से स्टार्टिंग से बोल रही है कि मैं इन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ, पहले से जानती हूँ, ये वीक पॉइंट सब ने पकड़ ली है कि सिद्धार्थ शुक्ला का अग्रेशन काफी ज्यादा है, इनका सिद्धार्थ शुक्ला का अग्रेशन सिर्फ ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा करते हैं, और कल के एपिसोड में साफ हो चुका है कि सिर्फ एग्रेशन नहीं करते हैं, वो साइको की तरह खेलते हैं, कल उन्होंने जिस तरीके से करा वो सिर्फ एग्रेशन नहीं है, वो यास्मीन से भी सुन लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं। पारस छाबरा ने भी इससे पहले मतलब ये बात कही थी रश्मि को कि तुम अपना आंसू बहा के दिखा दो ना, क्योंकि जब ये उन्होंने कही थी तो फिर सलमान ने पॉइंट किया था उन्हें कि तुम लड़की हो तो मतलब इस चीज़ का फायदा उठा लोगे, आप ये आइडिया दे रहे हो उसे करने की, तो ये चीज़ आप स्ट्रेटेजी दिखा रहे हो कहीं ना कहीं, सिद्धार्थ शुक्ला को अग्रेशन उनका फ्रंट फुट पर लाने के लिए आप ये चीज़ दिखा रहे हो कहीं ना कहीं। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वीक पॉइंट पकड़ के आप ये नहीं कह सकते हो कि वो धक्का दे रहा है, वो उन हाथ यूँ कर रहे हैं, तो अब अगर पारस और सिद्धार्थ शुक्ला में भी लड़ाई हुई थी काफ़ी ज़्यादा, वो दोनों यूँ एकदम इतने डिस्टेंस पे दोनों थे, अगर यही चीज़ पारस की जगह कोई लड़की होती तब यही चीज़, फिर यहाँ पे ये लोग कहते हैं यहाँ पर कि लड़की के सामने तुम इतना, शायद तुमने देखा ही नहीं है, पता नहीं किस तरीके से शो को देखा है, जब दोनों के दोनों पास आ गए तो उन्होंने खींच करके लेकर के जाया गया था, जब वो इतने क्लोज आ गए तो एक तरफ रश्मि पारस को ले गई थी और दूसरी तरफ आसिम और आरती उसको साइड में लेकर के चले गए थे, और बात यहाँ पर ये नहीं है कि लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी कौन नहीं बना रहा है, शो में बिग बॉस में आए तो लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे ही, अगर लड़कियाँ स्ट्रेटेजी बना रही हैं सिद्धार्थ शुक्ला भी स्ट्रेटेजी बना रहा है, बात यहाँ पर आ रही है अपनी लिमिट क्रॉस करने की, इतनी लिमिट क्रॉस कि तुम लड़कियों के साथ इतने अब्यूसिव ना सिर्फ बातों से हो रहे हो बल्कि फिजिकली भी इतने ज़्यादा टची हो रहे हो, किसी को धक्का दे रहे हो, किसी के हाथ पकड़ रहे हो, ये कहाँ से अच्छी चीज़ होती है। ज्यादा ही मतलब गुरु बन रहे हैं सबके कि मतलब इस टीम में तो मैं ही अकेला हूँ, सबकी तरफ से मैं अकेले लड़ सकता हूँ, अगर वो पूरी टीम साथ में खेल रही है तो तुम अकेले क्यों आ रहे हो, अगर इनकी टीम है तो सब बराबर खेलो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना मतलब गुस्सा और सारी मतलब अपनी स्ट्रांगनेस दिखा के वो सामने आते हैं और कि मेरे से लोग डर जाए। पारस छाबरा और सिद्धार्थ डे खेल रहे थे वहां पे, उन्हें आके सपोर्ट करना चाहिए था लड़कियों का, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो जाके अंदर दुबक के बैठ गए। हाँ मैं ये बात मानने ये इस बात सिद्धार्थ शुक्ला वहां पे खेल तो रहे हैं अपना गेम, मैं इस बात से सपोर्ट कर रहा हूँ कि पारस ने, मेरे को भी ये चीज़ गलत लगी कि पारस और सिद्धार्थ डे अंदर चले गए, लेकिन यहाँ पर बात पारस और सिद्धार्थ डे की है ही नहीं, वो तो क्विट करके ऑलरेडी चले गए, यहाँ पे बात सिद्धार्थ शुक्ला की और सिद्धार्थ शुक्ला की है कि जब लड़कियाँ एक साथ करना चाहिए था ना, पारस नहीं आए सामने सपोर्ट करने जो इतना इसमें नहीं, हाँ तो ठीक है ना, नहीं किया उनकी गलती है, हम बोल रहे हैं उनको भैया अपने चेहरे की प्रॉब्लम थी, उन्हें लग रहा था कि उन्हें आगे करियर में बंगला बनाना है, गाड़ियाँ लेनी है। प्रशांत ये बातें तो हम करते रहेंगे, वहीं आरती सिंह की अगर बात कर ले तो कल वो संचालक बनी थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं फेयर गेम नहीं खेला जितना ऑडियंस को लग रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है?
मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार रश्मि ने बहुत अच्छा संचालक दिखाया था, वहीं आरती जो है वो बिल्कुल ही मतलब सिद्धार्थ शुक्ला की पपेट ही है एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब जैसे भी उन्होंने सिद्धार्थ ने जो भी चीज खराब करी वो बार बार बस यही बोल रही, पारस ने शुरू तो कर दिया। अरे वो चीज तो करनी थी, तुमने जो करा वो क्या किया, तुमने तो टास्क ही पूरा रद्द करवा के रख दिया। तो आरती तो मतलब बिल्कुल ही बेकार संचालक साबित। कल जहां सिद्धार्थ शुक्ला इतने बौखलाए हुए नजर आए, वहीं देखा जाए तो देवलीना और शहनाज के बीच में भी काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उस पे तुम क्या कहोगे? मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे देवोलीना बहुत अच्छा खेल रही थी। एक साइड मतलब वो अपना बना रही है सीढ़ियाँ और बहुत अच्छे से 5 बार उन्होंने बनाया, बार बार सिद्धार्थ आके ख़राब कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जाके जब बहुत ज़्यादा हदें पार कर दी थी सिद्धार्थ ने, तो देवोलीना ने भी जाके सेनास का ख़राब किया उसको लेके। मतलब पहले तो वो ठीक खेल रही थी, उसके बाद बाद में जाके जब सेनास ने उनके ऊपर पानी डाला कीचड़ वाला, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से रिएक्ट कर गई और उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी और ऐसा लगा देखने में कि वो थप्पड़ मार रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब गुस्से में तो थी, पर यहाँ सहनाज गलत थी। अगर उन्होंने मतलब इतनी सारी बातें हुई थी कि सोने वाली, तो अगर वहाँ पे उनके करेक्टर पे उंगली उठ रही है तो उस टाइम पे उन्हें मुँह से जवाब देना चाहिए था बिना रिएक्ट किए। ये गेम ही था वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का एक दूसरे को। यहाँ पे बिग बॉस ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक दूसरे का यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ पर जब 2 मिनट पहले ही देखा गया था कि शहनाज जाके देवोलीना को हक कर रही है, उन्हें किस करके नॉर्मल कर रही है इस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर देवोलीना को इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत थी नहीं कि करेक्टर पर कोई उंगली उठाएगा तो जाहिर सी बात है वो करेंगी ना ऐसा। शहनाज गिल के ऊपर भी ये चीज़ उंगली उठाई गई है, तो उन्होंने गुस्से में जाके पहले तो उन्होंने 2 मिनट पहले जाके हक किया, लेकिन देखा कि उसके बाद भी कोई असर नहीं है ये लड़की उसके बाद भी आकर। यास्मीन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि शहनाज को पानी फेंकने से पहले देवोलीना से आराम से बात कर लेनी चाहिए? अग्रेशन तो सबके अंदर है, अग्रेशन दिखाने का एक सबके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन, सिद्धार्थ शुक्ला के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन हो तो मुझे भी पता है। लेकिन इस चीज़ को लेकर अगर वो ये, मैं यहाँ पे शहनाज का सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देवोलीना को ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि 2 मिनट पहले वो मेरे पास आई थी, मुझे अच्छे से बात की थी, तो एटलीस्ट मुझे अभी दोबारा उनका नाम लेके ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था सोने वगैरह को लेकर कि यहाँ पर। तो इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर कि अब तो मैं सपोर्ट नहीं करने वाली इसका, तो मैं पानी से तो बिगाड़ूंगी। तो ये चीज़ मुझे अब जाते जाते हम प्रशांत से लास्ट सवाल पूछ लेते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है। प्रशांत तन्वी, अपकमिंग एपिसोड में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी, ये जो कल जो टास्क हुआ वो आज भी वही होगा, लेकिन आज के टास्क में जो सिद्धार्थ डे हैं वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देंगे पूरा। वो इतनी ज़्यादा बातें गंदी गंदी बोलेंगे शहनाज को लेकर के, उनके करेक्टर पर सवाल उठाएंगे, तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखने को मिलेगी। शहनाज बिल्कुल टूट जाएंगी, घर छोड़ के भागने की कोशिश करेंगी और दोबारा से सिद्धार्थ और उसमें सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि में फिर से लड़ाई देखने को मिलेगी, तो आज भी काफ़ी ड्रामा होगा। वेल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बिग बॉस का अड्डा हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और आपका बिग बॉस में सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं।